नमस्कार साथियों, के हुसैन्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम स्पोकेन के 29 नंबर वाले पार्ट में चलेंगे और इसके सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे, इन्हीं को हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप स्पोकेन की सीरीज को तभी समझ सकते हैं जब तक आपको टेंस का नॉलेज ना हो। इसलिए अगर आपको टेंस ना आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आ रहा है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब टेंस से अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्ले लिस्ट है, उनमें जाके आप टेंस के सारे वीडियोज को देखने का क्या करें, प्रयास करें। एक दिन में ना देखें, डेली करके देखें, लेकिन जरूर देखें ताकि स्पोकेन के सवाल को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और ज्यादा देर का मेरा वीडियो नहीं होता, इसीलिए आप एक मिनान से इसे देखने का क्या करें, प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए ध्यान देंगे कि ये जो सामने दिया हुआ सेंटेंस है, इनको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है। ये आप रहने दो एक पार्ट हो गया, और मैं जाता हूं। फिर यहां देख लीजिए, आप रहने दो मैं खाता हूं, फिर आप रहने दो वह जाती है, आप रहने दो मोहन हंसता है, आप रहने दो वह पढ़ती है। ये पांच सेंटेंस आपके सामने दिखाई देता होगा। और सब में देखिए तो मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, वह जाती है, मोहन हंसता है, वह पढ़ता है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान में बताया था कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। इसके स्ट्रक्चर, इसकी सारे रिमार्क्स, इसके सारे नोट्स मैंने अच्छी तरह से प्रोवाइड कर चुका हूं इसी चैनल पे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हमारे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वहां इस चीजों को देखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे चलेंगे कि आप रहने दो मैं जाता हूं। यहाँ हम डिटेल में नहीं चलेंगे, हम 2 से 3 मिनट 4 मिनट के अंदर में समझाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो आप रहने दो, तो ध्यान देंगे इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं साथियों, ये होता है यू लेट इट बी, यू लेट इट बी और प्लस टेंस। मतलब मान लीजिए कि जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको लेके चलेंगे, तो यू लेट इट बी, मतलब कि आप रहने दो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू लेट इट बी, क्या हो जाएगा, यू लेट इट बी। और उसके बाद क्या करना है, टेंस, कौन सा टेंस है, या टेंस मान लीजिए दे दे, या एनीबॉडी कोई सेंटेंस आपको दे दे, क्या दे दे, एनीबॉडी कोई सेंटेंस दे दे, तो इन चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप रहने दो, सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखिए, तो आप रहने दो तो क्या हो जाएगा, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी। और मैं जाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मैं जाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई गो, क्या हो जाएगा, आई गो, आई गो, मैं जाता हूं तो आई गो। फिर यहां पर ध्यान देंगे साथियों, आप रहने दो मैं खाता हूं, तो आप रहने दो का क्या हो जाएगा, You let it be, और फिर मैं खाता हूं तो क्या हो जाएगा, I eat। फिर आप रहने दो वह जाती है, तो फिर क्या लिखेंगे, You let it be और वह जाती है। तो यहां पे लड़की है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जाते तो सी लगाएंगे, और सी के साथ क्या हो जाएगा, भी वन या भी फाइव। आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पे भी लिंक है, वहां से क्लिक करके उसे देखने का क्या करें, प्रयास करें। तो चलते हैं यहाँ पे, आप रहने दो तो यू लेट इट बी, वह जाती है तो क्या हो जाएगा, सी गोज, सी गोज। अब आप रहने दो मोहन हंसता है, तो क्या हो जाएगा, यू लेट इट बी और मोहन हंसता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन लाफ्स, एल ए यू जी एच एस, लाफ्स। आप रहने दो वह पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, वह पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, सी रीड्स, आर ई ए डी एस। एस सी आई एस क्यों लगता है, ये सारी बात मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि हम जो टेंस पढ़ाए हैं उनको अच्छी तरह से सीरीज बाय सीरीज देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये साथियों हमारा स्पोकेन का 29 पार्ट्स था जिनको मैंने अभी कवर किया हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, 4, 5, 6 सेंटेंसेस पर जो बनाए जाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।